हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लैब एक्टिविटी क्लास फोर्थ कंप्यूटर से लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में हमें क्या क्या करना है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय स्कूल एंड परफॉर्म फॉलोइंग टास्क ऑन इट। सबसे पहले हमें माई स्कूल पर एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटीज इसमें हमें करना है, पहला सेलेक्ट इंटायर पैराग्राफ, टू कॉपी द इंटायर पैराग्राफ, थ्री पेस्ट द इंटायर पैराग्राफ एट न्यू लोकेशन, फोर्थ फाइंड द वर्ड स्कूल इन पैराग्राफ यूजिंग फाइंड कमांड, फिफ्थ रिप्लेस द वर्ड स्कूल विद स्कूल यूजिंग रिप्लेस कमांड, एंड सिक्स अंडू द लास्ट एक्शन। इसमें हमें स्कूल वर्ड से स्कूल वर्ड को रिप्लेस करना है। चलिए अब इसको हम एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं सिस्टम पे। सबसे पहले हमने ये लैब एक्टिविटी में माई स्कूल पैराग्राफ लिख कर रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम माउस को एम के आगे क्लिक करेंगे, जो देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और माउस को ड्रैग करते हुए हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट। सेकेंड ऑप्शन में कहा जा रहा है इसे कॉपी करना है, और थर्ड ऑप्शन में इसे हमें पेस्ट करना है। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जिसमें आपको कोई भी मूवमेंट कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं दिख रही होगी। इसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है न्यू लोकेशन पे इसे हमें पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम कर्सर सबसे नीचे जाके क्लिक करेंगे, देखिए ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो जो ऊपर लिखा गया पैराग्राफ है वही पैराग्राफ वापस नीचे आ गया आपको टाइप होगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी टेक्स्ट को हमें बार बार नहीं लिखना है, कॉपी और देन पेस्ट। कॉपी और पेस्ट दोनों साथ साथ चलते हैं, सिर्फ कॉपी करने से भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कॉपी के बाद जहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है उस टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर वापस हम कर्सर से लोकेशन को सेट करेंगे कि कहाँ पर हमें उसे टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लोकेशन क्लिक कर दिया था, माउस को क्लिक किया था इसके नीचे, और फिर कंट्रोल प्लस बी किया, तो इससे हमें पेस्ट हो गया। वापस देख लीजिए बच्चों, पहले हम कर्सर यहाँ क्लिक करते हैं, वापस इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस किए हैं, लास्ट में हम कर्सर को क्लिक करते हैं, माउस को क्लिक करते हैं, ये हमारा लोकेशन हो गया कि यहाँ पे हमें वापस चाहिए, फिर हम कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं। तो देखिए ये हमारा फिर से वापस लिखा हुआ आ गया, देखिए 1, 2 और 3 बार आपका लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू से आप देख सकते हैं ये 3 बार हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। फर्स्ट बार हमने पैराग्राफ में लिया था, फिर इसे कॉपी किए, पेस्ट किए, फिर वापस हम पेस्ट किए, तो ये हमारा 3 बार लिखा हुआ आ चुका है। 3 ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। 1, 2, 3 ये तीनों ऑप्शंस अपने कंप्लीट हो गए। सेलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ, 2 कॉपी द एंटायर पैराग्राफ, 3 पेस्ट द एंटायर पैराग्राफ एट न्यू लोकेशन। ये 3 ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 फाइंड द वर्ड स्कूल एंड पैराग्राफ यूजिंग फाइंड कमांड। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड कमांड को यूज करते हुए स्कूल वर्ड को हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम वापस अपने पैराग्राफ में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए होम इंसर्ट, होम के लास्ट में हम आकर यहाँ देखते हैं फाइंड ऑप्शन है, फाइंड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें स्कूल वर्ड को फाइंड करना है। जो स्पेलिंग हमने यहाँ अपने टेक्स्ट में लिखी है, डॉक्यूमेंट में लिखी है, उसी तरह हमें यहाँ पर लिखना है। अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, इस वर्ड को एज इट इज आपको यहाँ पर करना है। अब इसे फाइंड करना है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक एक वर्ड आपका फाइंड होता जाएगा जहाँ पे आपने स्कूल जितनी जगह लिख रखा है। और अगर आप यहाँ पर हाईलाइट आप चाहते हैं कि सभी एक जगह पे आपको हाईलाइट हो जाए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो हाईलाइट ऑल हम कर देंगे, तो देखिए ये फाइंड ऑप्शंस आपका पूरा हाईलाइट हो गया है। स्कूल वर्ड को हमने फाइंड किया है यहाँ पे, और कहाँ कहाँ पे स्कूल है ये सारे आपके फाइंड हो गए। नेक्स्ट अब अपना क्वेश्चन में बोला जा रहा है नंबर 6, रिप्लेस द वर्ड स्कूल विथ स्कूल। एस के डबल
ओ एल से हमें इसको रिप्लेस करना है, तो वापस चलिए हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम रिप्लेस ऑप्शंस को यहीं से हम क्लिक करके स्कूल की जगह हम स्कूल लिखेंगे। ये पहले से लिखा हुआ है, फिर से लिखते हैं एस के डबल ओ एल। इस वर्ड से हमें स्कूल वर्ड को रिप्लेस करना है। अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जहाँ पे स्कूल रहेगा वहीं पे आपका, देखिए ये यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस हुआ है। कहाँ पे रिप्लेस हुआ है? सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, आप देख पा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस हुआ है। लेकिन अगर हम रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी स्कूल वर्ड लिखा गया है, देखिए यहाँ यहाँ सब जगह, तो वापस आप जो है इसको रिप्लेस ऑल के द्वारा देख सकते हैं। वापस हम फाइंड पे जाके इसको हाईलाइट कर देते हैं पहले तो हम, और फिर इसको हम रिप्लेस और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी स्कूल वर्ड था वो सारा आपका एस के डबल ओ एल स्कूल वर्ड से रिप्लेस हो चुका है। अब ये फाइव्थ ऑप्शन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। अब नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम देखते हैं नंबर फिफ्थ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर सिक्स में कहा जा रहा है अंडू द लास्ट एक्शन। अंडू द लास्ट एक्शन का मतलब होता है इससे पहले का जो एक्शन था, यानी हमारा वर्ड स्कूल जो सही लिखा गया था एस सी एच डबल ओ एल, उस पर हम वापस आ जाए। तो इसके लिए हमारा अंडू का ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस जेड। कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किए और ये देखिए आपका वापस ये ऑप्शंस क्लिक होकर सही स्पेलिंग आ गई है। तो इस प्रकार हमने आज अपने पैराग्राफ में, लैब एक्टिविटी में देखा है, माई स्कूल पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसमें हमने देखा पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे करना है, नंबर टू कॉपी कैसे करना है, नंबर थ्री पेस्ट कैसे करना है और न्यू लोकेशन पे कैसे पेस्ट करना है, फोर्थ हमने फाइंड कमांड को यूज़ करते हुए स्कूल वर्ड को फाइंड किए हैं, एंड फिफ्थ रिप्लेस कमांड को यूज़ करके स्कूल वर्ड को हम अलग वर्ड से चेंज कर सकते हैं, एंड लास्ट अंडू द लास्ट एक्शन, यानी एक एक्शन पीछे हम जा सकते हैं, यानी जस्ट पीछे के एक्शन को हम कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्लास फोर्थ के कंप्यूटर्स लैब एक्टिविटी। आगे भी इसी प्रकार की लैब एक्टिविटी या एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा देखकर हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।